बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल का वक्त है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में एक तरफ से लग गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं, तो कुछ ही दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी दौरा पर निकलने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि अभी से चुनावी वादे भी कर रहे हैं। कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। इसके साथ ही वह जमीन सर्वे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उधर इसके साथ ही उन्होंने ये भी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में है और वादा किया है कि सरकार बनती है तो एक घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि लैंड वाइन और स्मार्ट मीटर का फैक्टर नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। चलिए आज इसके बारे में बताते हैं आपको। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे हो रहा है। बिहार में जमीन सर्वे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी के ही कई नेताओं ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर विरोध जताया है। बीते रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे अभी भ्रष्टाचार बढ़ा है, स्मार्ट बिजली के मीटर में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली महंगी हो गई है, इसकी खबर लेने वाला सरकार में कोई नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराध सीमा चरम पर है, ब्लॉक या थाने चले जाइए, किसी का काम नहीं होता, पुलिस का एक काम बच गया है, शराबबंदी में पैसा वसूली करना। बिहार में जो इन दिनों तीन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, इस सब पर आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, इसके लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक से बात की। बिहार के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव में एक साल बचा हुआ है और अभी जमीन सर्वे का काम जिस तरह से चल रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं, नीतीश सरकार की जो मुश्किलें हैं, वो खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही हैं। संतोष कुमार ने कहा कि जमीन सर्वे से कई लोगों ने नाराजगी है, कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जो लोग बाहर रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है, कई लोगों के पास सही ढंग से कागजात नहीं है, बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, किसी के जमीन किसी के नाम पर करने वाले अचलाधिकारी या कर्मचारी भी जमीन सर्वे में वही काम कर रहे हैं, इससे लोगों को आक्रोश होता दिख रहा है और आक्रोश बढ़ रहा है। संतोष कुमार का कहना है कि रिकॉर्ड है कि आंध्र प्रदेश में जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो उसने भी चुनावी साल में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की मुहिम शुरू की थी, इसका खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा, इसीलिए बिहार सरकार को चुनाव में कोई दिक्कत ना उठाना पड़े इसके लिए सर्वे के काम को तत्काल बंद करना चाहिए, नहीं तो आंध्र प्रदेश वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं बिजली मीटर को भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या भी बिहार में तेजी से है और उसको लेकर भी प्रदेश के लोगों में आक्रोश है, स्मार्ट मीटर की बिजली बिल से लोग परेशान हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाने में लगा है। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव का यह ऐलान भारी पड़ सकता है, हालांकि सरकार चाहेगी तो इस पर कमांड कर सकती है।